नमस्कार, मैं हूँ आशा। आप सभी का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही सरकार को आड़े हाथ लिया है। मायावती ने दोनों पार्टियों पर आरोप लगाया है कि ये पार्टियां यूपी को जंगल राज में धकेलने और जनता को गरीब और पिछड़ा बनाए रखने की दोषी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण व अपराध के राजनीतिकरण, कानून के साथ खिलवाड़ और अपनी पार्टी के गुंडों व माफियाओं को संरक्षण आदि से यूपी को जंगल राज में धकेल इसे गरीब व पिछड़ा बनाए रखकर जनता को त्रस्त करने की दोषी, लेकिन इनकी जुमलेबाजी जारी है। आपको बता दूं कि मायावती ने इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ पे हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि उनका गोरखपुर स्थित मठ भी किसी आलीशान बंगले से कम नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार के सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके मंत्रियों ने पहले अपने लिए बंगलों को निर्माण कराया था, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी भी मंत्री ने कोई बंगला नहीं बनाया, बल्कि राज्य के 43 लाख गरीब लोगों को आवास प्रदान किए। उन्होंने दावा भी किया कि बीजेपी सरकार ने राज्य में 2,61,00,000 लोगों को शौचालय प्रदान किए। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद बसपा सुप्रीमो ने पलटवार करते हुए बीजेपी को अपने निशाने पे लिया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को पता नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी द्वारा बनाया गया मठ, जहां वे ज़्यादातर समय रहते हैं, किसी बड़े बंगले से कम नहीं है। बेहतर होता कि वे मतदाताओं को यह भी बता देते। जैसा मैंने आपको बताया, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले तीनों पार्टियां एक दूसरे को घेर रही हैं। बसपा, सपा और बीजेपी तीनों ही एक दूसरे को घेरने का काम कर रही है। तो आपका क्या कहना है इनके गंभीर आरोपों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आगे की खबर के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।